पंचायत की सब कुछ साल में या महीने में आप कह सकते हैं कि महीने में हर बार मन की बात तो हो जाती है, लेकिन अन्न की बात क्यों नहीं हो रही है? नहीं, अन्न की मोटे अन्न की बात करें, अन्न को श्री अन्न कह के भी पुकारा जा रहा है, मतलब उसको सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन उसको भाव नहीं दिया जा रहा है। किसानों को भाव से मतलब है, एक मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, श्री अन्न की बात कर रहे हैं। राजस्थान का किसान है, बाजरे का क्या हाल है वहाँ पे, मक्का का क्या हाल है, जो मोटे अनाज हैं उनका क्या हाल है, वे आधे रेट में बिकते हैं। हमने कहा है कि MSP गारंटी कानून बना दो, सरकार को जितना खरीदना है वो खरीद ले, लेकिन बाजार उससे नीचे ना जाए, फिर उस पर कानून बना दो। क्या सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आज एक दो साल में बातचीत शुरू हुई है सिर्फ, और उनको ज्ञापन दिया है, जो डिमांड थी वो बताया है उनको, और MSP गारंटी कानून जरूरी है। तो आप जिस बेल्ट से आते हैं वो गन्ने की बेल्ट है, और गन्ने की बेल्ट को लेकर ये कहा जा रहा है कि खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर पर्चियां आ रही हैं लेकिन पेमेंट नहीं। एक साल से कुछ शुगर फैक्ट्रियां हैं जिन्होंने पिछले साल का भी भुगतान नहीं दिया, कुछ फैक्ट्रियां हैं वो 7 से 10 दिन में भुगतान दे रही है, ये बहुत फैक्ट्रियां हैं, ग्रुप हैं पूरे के पूरे, जैसे मोदी ग्रुप है तो 16 फैक्ट्रियां हैं, मोदी की 4-5 फैक्ट्रियां हैं, बजाज की 16 फैक्ट्रियां हैं, तो इस तरह के कुछ ग्रुप हैं जो पैसा नहीं देते हैं। पेनी को लेके कोई बात हुई? नहीं, उसकी कोई जरूरत है। एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा, क्योंकि जो आपका पिछला आंदोलन था वो सफल रहा, सरकार को तीन काले कानून थे वो वापस लेने पड़े। हाँ। इस बार क्या कोई बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? देखो, MSP चाहिए तो उससे भी बड़ा आंदोलन की जरूरत देश में पड़ेगी। हम पूरे देश भर में जा रहे हैं, वहाँ पे मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, और आज MSP के बारे में लोग बातचीत करना शुरू कर रहे हैं। हम आसाम और ये जितने भी स्टेट पड़ते हैं उनमें भी जाएंगे, वहाँ के किसानों को भी MSP चाहिए। आगे क्या है आंदोलन? कैसे आंदोलन करेंगे? पूरे देश में जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, झारखंड जाएंगे, तेलंगाना जाएंगे, सब जगह जाएंगे, हम बातचीत करेंगे। और अभी हम गए भी थे, अभी तमिलनाडु में उसमें गए, नेत्रहाट गए, झारखंड गए, सब जगह हम गए, छत्तीसगढ़ गए। जिस तरह से आदिवासियों को लूटा जा रहा है, उनकी जमीन लूटी जा रही है, उनको जंगलों से हटाया जा रहा है, जो उनके पारंपरिक स्रोत थे उनको ख़त्म करा जा रहा है, तो वो एक खतरनाक स्थिति देश के सामने आएगी।